व्हाट आई एट इन ब्रेकफास्ट। तो आज मैं डोसा प्रिपेयर करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट में। तो मैंने ऑनियन का एंड को कट करके लिया है और उससे वेजिटेबल ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ तावा में, सो दैट तावा विल बी स्मूथ। तो अब मैं पानी डालूँगी तावा में। मैंने पानी डाल दिया। तो अब मैं पहला डोसा प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ये ऑनियन एंड पानी वाला प्रोसेस रिपीट करूँगी, सो दैट तावा का सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाएगा और आपका डोसा चिपकेगा नहीं। तो ये मैंने पानी डालना स्टार्ट किया। तो मैं डोसा के लिए बैटर खुद में ही बनाया है, मैंने बाहर से मंगाया है। तो डोसा के लिए मैंने आईडी का बैटर यूज़ किया है, जो मैं लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है। तो मैं डोसा के लिए तवा में डाल दिया और उसको ऐसे राउंड राउंड करना है इवेनली। अब ये हो गया है। तो अब मैं ऐसे वेजिटेबल कट करके रखा है, लाइक ऑनियन, टमाटो, ग्रीन चिल्ली एंड कोरिएंडर लीव्स। तो ये मैं डोसा में स्प्रेड कर दूंगी और फिर इसको ऐसे टैप 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 करके चिपकाना है। ये निकलेगा नहीं फिर डोसा से। और फिर ऑयल डाल देंगे और फिर से टैप 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 करके इसको चिपका देंगे डोसा में। फ्लेम हाई कर लिया मैंने, सो दैट डोसा क्रिस्पी बने। अब इसे थोड़ा देर छोड़ना है, जब तक थोड़ा लाल ना हो जाए हमारा डोसा। मैं निकाल के देखती हूँ, ये नहीं निकल रहा, थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी ताकि आसानी से हमारा डोसा निकल जाए। थोड़ा पहला डोसा में दिक्कत आती है, बट ठीक है, हमारा डोसा सही बनेगा, अच्छा बनेगा। अब लग रहा है निकल जाएगा, देखते हैं। यस, तो ये आसानी से हमारा डोसा तावा से निकल रहा है। यस, ये अच्छा दिख रहा है। थोड़ा देर और रखूंगी, उसके बाद मैं डोसा को पलट दूंगी। तो अब पलटने की बारी। यस, दिस इज गुड। सो कैसा दिख रहा है हमारा डोसा? अच्छा दिख रहा है ना? थोड़ा देर और रखूंगी, सो दैट नीचे ऑनियन एंड टमाटो थोड़ा पक जाए, थोड़ा लाल हो जाए, खाने में टेस्ट आएगा फिर। ऐसे निकाल निकाल के देखेंगे कि सब कुछ ठीक है ना, नहीं तो कभी कभी डोसा चिपक जाता है। यस, एवरीथिंग इज फाइन, लुकिंग फाइन। थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर कच्चा कच्चा लगेगा ना हमारा ऑनियन। अब ये मैं पलट दूंगी। यस, अच्छा दिख रहा है ना? यमी, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा बटर डाल दूंगी। जब आप शॉप में जाओगे डोसा खाने, तो वहाँ भर भर के बटर डालते हैं। मैं थोड़ा ही बटर डाल रही हूँ, पर टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा। तो आप क्या करो, ये अगर डोसा घर में बना रहे हो तो ऐसे बटर को स्प्रेड करना, थोड़ा इवनली स्प्रेड कर दोगे तो चारों तरफ से आपको टेस्ट आएगी। थोड़ा देर और रखेंगे, उसके बाद फिर निकाल लेंगे। जैसे लग तो रहा है बन गया है, पर थोड़ा सा और ऐसे, थोड़ा देर और रखने से थोड़ा क्रिस्पी बनेगा डोसा। बस थोड़ा और। यस, अब लग रहा है हो गया। 1 2 3, यस, क्लोज। तो मैंने गैस बंद कर दिया है, अब मैं निकाल ली हूँ। चटनी पहले ही निकाल लिया था मैंने प्लेट में। तो ये मेरा डोसा है ब्रेकफास्ट का,
थोड़ा सा ये ऑनियन टमाटो रह गया तो मैं फिर ऊपर डाल दूंगी डोसा के। ये मेरा डोसा एंड चटनी रेडी है। मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी मैंने चटनी कैसे बनाया है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा दिख रहा है। यहाँ मैंने अपना डोसा फोल्ड करके रखा है।